उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही, जो थरिया थाना क्षेत्र की है। आपको बता दें, थरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एक रिटायर्ड शिक्षक के ऊपर शादी का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम देने का बड़ा आरोप लगाया, जिसको लेकर पीड़िता लगातार थाने में दर बदर की ठोकरे खा रही थी। वहीं एसपी के हस्तक्षेप से मुकदमा दर्ज हुआ, तो वहीं पर अभी भी पीड़िता न्याय के लिए दर बदर की ठोकरे खा रही है। मामला है दरिया गांव थाना क्षेत्र का। रहने वाली पीड़ित महिला शहर में किराए के कमरे में रहकर एनएम की पढ़ाई कर रही थी, जिसके बाद रिटायर्ड शिक्षक ने महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दे डाला। पूरे घटनाक्रम का शिक्षक ने वीडियो बना लिया। आपको बता दें, वीडियो बनाने के बाद उसने कई बार महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और उसका अबॉर्शन भी कई बार कराया। ये बात जब थाने पर एसपी को मालूम चली, तो एसपी महोदय हरकत में आकर के उनका मुकदमा दर्ज कराया। जहां आपको बता दें कि शिक्षक अभी फरार है और महिला न्याय के लिए भटक रही है। आइए डालते हैं एक अपराध जगत की फतेहपुर की खबर पर नजर। यूपी के फतेहपुर जिले के थरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एक रिटायर्ड शिक्षक के ऊपर शादी का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पीड़िता महिला ने कई बार एसपी ऑफिस से लेकर महिला थाने के चक्कर काटे, लेकिन महिला को अब तक न्याय नहीं मिला। लेकिन एसपी के निर्देश पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि थरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला शहर में किराए के कमरे में रहकर एनएम की पढ़ाई कर रही थी, जिसके बाद रिटायर्ड शिक्षक ने महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दे डाला और पूरे घटनाक्रम का शिक्षक ने वीडियो बना लिया और पुलिस से शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। और इतना ही नहीं, महिला का कई बार अबॉर्शन भी करा चुका है। महिला ने इस बारे में शिकायत जिले के अधिकारियों से कई बार की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन मामला बढ़ता देख एसपी के निर्देश पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं इस मामले में सीओ सिटी संजय सिंह ने बताया कि एक शादीशुदा महिला ने रिटायर्ड शिक्षक के ऊपर शादी का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। मैडम, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे ससुराल वालों से नकाल में होने के कारण मैं यहाँ किराए के कमरे पर रह रही थी। दूर का रिलेशन मेरा पुरखा था, जिसका नाम था लाल सिंह। मेरा कॉलेज का रिटायरमेंट टीचर था, जिसका घर बना है बाकरगंज में ही। वो मेरे साथ यानी कह रहा था कि मेरा घर पक्के तालाब में है, आप वहाँ रहिएगा, किराए से ना रहिएगा। उसने बैला फुसला कर मुझसे ऐसी हरकत किया, कह रहा था ना मेरी पत्नी है ना मेरे बच्चे हैं, मुझको झांसा में लेकर मेरे साथ। और प्रशासन की तरफ से मुझको खूब मदद मिल रही है और मेरी FIR भी दर्ज हो चुकी है। लगभग कितने दिन भटकी हैं, कितने दिन बाद आपका मुकदमा लिखा गया है? ये मुकदमा में लमसम एक में 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन बाद आपको मुकदमा लिखा गया। आज आपको मेडिकल के लिए लाया गया। क्या मांग है आपकी, कार्रवाई की क्या मांग है? मेरी कार्रवाई यही है कि जैसे दिया उसको दंडित किया जाए। अच्छा, एक शादीशुदा महिला के द्वारा एक सेवानिवृत्त शिक्षक के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उनके द्वारा शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक मद बनाया गया। इस संबंध में महिला थाने पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य संग्रहण के पश्चात दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की